खनन दौर था, सुबह सुबह अवैध खनन या मुड़ निकालने का जो फायदा था एक महीने पर दूरियों की नाड़ी में मुड़ निकाल रही थी। मुड़ का एक बहुत संवेदनशील मैटर रहता है गांव में, किसी गांव में मुड़ नहीं होती तो वो पड़ोस के गांव में मुड़ भी नहीं देता। वहां के ग्रामीणों ने ऑब्जेक्शन किया कि हम हमारी नाड़ी से आपको मुड़ नहीं निकालने देंगे। तो वहां पे दो गुट फिर गए तो वहां पर थानेदार मौके पर पहुंचा। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने थानेदार को फोन किया, मैं दिल्ली में थी, कि क्या मामला हुआ है कि साहब ऐसे दो गुट फिर गए। तो मैं कहा ऐसा करना, समकक्ष दृष्टि रखना और दोनों को पाबंद कर दो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई तो आप दोनों को पाबंद कर दो। कि बिल्कुल हम दोनों को पाबंद कर दिया। एक घंटे बाद मुझे बताया गया कि किसी थर्ड पर्सन को पाबंद कर दिया और जेसीबी वहां पर चल रही है। मैं थानेदार को फोन किया कि जेसीबी वहां पर चल रही है और आपने एक ही पक्ष को क्यों पाबंद किया है? कि नहीं, मैंने दो कांस्टेबल्स वहां छोड़ दिए हैं और जेसीबी नहीं चलने देंगे। मैंने कहा जेसीबी सीज कर लीजिए आप। थोड़ी देर में पता लगा कि पूरे दिन जेसीबी चलती रही, पुलिस कांस्टेबल्स वहां क्या कर रहे थे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है और पूरे दिन खनन होता रहा। ये एसएचओ की नॉलेज में था। मैं बहुत कम केसेस के अंदर फोन करती हूँ और एसएचओ लेवल पे तो बहुत कम करती हूँ। कोई मैंने शायद, मुझे लगता है पहला केस होगा जिसमें मैंने 4 महीने में फोन किया। उसके कुछ देर बाद ग्रामीणों में रोष आया, वो सरपंच से बात करने की कोशिश कर रहे थे। सरपंच कहीं पुलिस के साथ में जा रहा था, प्रशासन का जोर दिखा था। तो यंग बच्चे थे, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने डंडा लेके खड़ी हुई गाड़ी के कागज तोड़े। हमने उन बच्चों को पेश करवा दिया कि निश्चित रूप से आपने गलत किया है, इसे ये तो इस तरीके का प्रकरण नहीं करने चाहिए। उस पक्ष की 4 FIR दर्ज करते हैं एक मामले के अंदर। एक मामले में आप एक ही कर सकते हैं, रंगदारी, फिरौती, लूट जैसी धाराओं में लगाकर उनको बहुत खुफियात अपराधी प्रेजेंट करके इस तरीके से किया और जो सामने वाला पक्ष था उसकी एक भी FIR दर्ज नहीं करी। उसके बाद में हमने बात करी, मैं दिल्ली से यहां पे लैंड कर गई थी, मुझे पता लगा और जैसे मैं घर पहुंची तो पब्लिक डोमेन के अंदर डिटेंशन की कस्टडी के एक बच्चे का वीडियो आया। मैं थानेदार को फोन लगाया कि पुलिस कस्टडी के अंदर आप किसी प्रकार का वीडियो नहीं बना सकते, कि आप ये जानते हैं गिरफ्तार व्यक्तियों के अपने एक अधिकार होते हैं, राइट टू डिग्निटी होती है, और दूसरी बात आप उसको कंपेल नहीं कर सकते अपने खिलाफ स्वीकार या कबूलनामा करने के लिए। तो उसने कहा कि मैं जानता हूं, मुझे SP ने निर्देश दिया है ये बनाने के। मैंने उसके बाद पूछा कौन आया हुआ है, एडिशनल SP आया हुआ है। मैंने एडिशनल SP से बात करी, एडिशनल SP से मैं पूछा आपको क्या नॉलेज है कि पुलिस डिटेंशन के अंदर वीडियो बन गया है और वीडियो बनाया गया यातनाओं देने के बाद में। वीडियो का कैमरा किसने पकड़ा? जब पुलिस कस्टडी के अंदर है तो पुलिस के अलावा तो उसको कोई बना नहीं सकता। कि मुझे पता नहीं है, मैं पता करता हूं। उसके बाद मुझे जो वहां पर लोग थे ग्रामीण, वहां से पता लगा कि वहां नाई बुला लिया गया है सिर मुंडवाने के। SP से संपर्क साधने की कोशिश करी, SP ने बात नहीं करी। मैंने IG से संपर्क साधा, उन्हें बताया और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूं IG की तीव्र कार्रवाई के कारण हम उस सिर मुंडन को रुकवा पाए। उन्होंने तुरंत बात करी और सिर मुंडन को रुकवाया, लेकिन तब तक दाढ़ी और पूंछ बनवा दी गई थी। मैं इस बात को पूरी तरीके से अब जोधपुर जिले में मुहिम की तरह चलाऊंगी कि कुख्यात अपराधी कोई आप पे अटैक करता है और पुलिस बचाव में उसके ऊपर कोई अटैक करती है वो एक अलग बात है। आम केसेस के अंदर, नॉर्मल केसेस के अंदर एक वन टाइम कोई कांच तोड़ दिया, कोई धक्का मुक्की कर दी, ऐसे प्रकरणों के अंदर आप पुलिस डिटेंशन में जो ये ह्यूमिलिएशन करते जाते हैं जिसको पब्लिक ह्यूमिलिएशन कहते हैं, पब्लिक शेमिंग करते हैं, जो आप खुद ही वहां जज बनते हैं कि हाँ हम इससे कबूल करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वो होगा कि नहीं है, कि नहीं है, किस इरादे से लाया गया है, पुलिस की ईगो तो नहीं हो गई घर पे आपसे दो बात कर ली, बहस कर ली, आप उठा के लेकर आए, चेप दिया आपने और आपने कबूलनामा करवा दिया। मैंने IG साहब से रिक्वेस्ट करी और बिल्कुल वो मेरे साथ इस बात को अग्री करते हैं और उन्होंने थाने के अंदर ये कह दिया, मैसेजेस कर देंगे। कम से कम नॉर्मल जो ये जो प्रथा चल गई है कि हम कबूलनामा करवाएंगे, वीडियो बनवाएंगे, उनको वायरल करवाएंगे, ये सब तरीके से बंद होगा। और मेरी SP जो है, एडिशनल SP से बात हुई थी और मेरी धर्मेंद्र यादव SP को भी ये कहना है कि ये पैर तोड़ना, टांग तोड़ना, ये सारे वीडियो कबूलनामे के सारे जोधपुर ग्रामीण के क्यों आ रहे? DCP आपके कमिश्नरेट के तो नहीं आ रहे? इनसे पहले 2 SP थे, राहुल बराड और अनिल दयाल, तब तो नहीं आते थे? आपके इतने सारे जिले आप देख लेना, वहां तो नहीं आते थे? तो मुझे लगता है कि आपको हार्ड कोर अपराधी और नॉर्मल रूटीन अपराध जो हो रहे हैं, जो भी जिसकी कार्य, उसमें आपको अपनी इस तरह की शैली को बदलना पड़ेगा। क्या बात हुई है? आईजी लगा रही हूँ मैं, सबसे ज्यादा इनके कार्य में। आईजी से क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने इंक्वायरी कराएंगे इस पूरे मैटर की और उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया और कैटेगोरी की ये कह दिया कि इस तरीके के आम अपराधों के इस तरीके के पुलिस डिटेंशन के अंदर ये वीडियोस नहीं। थैंक यू।